गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस एज पर वाल्टर मॉडल्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, एज पर वाल्टर मॉडल्स डिविडेंड पॉलिसी में इनका फॉर्मूला है पी इक्वल टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के ई। यहां आपको जानना होगा वेयर डी इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, ई इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, तो डी हो गया डिविडेंड पर शेयर, ई हो गया अर्निंग पर शेयर, आई हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आ के हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये वाल्टर मॉडल डिविडेंड पॉलिसी का फॉर्मूला हुआ। कैलकुलेशन होगा पी, पी आएगा प्राइस पर इक्विटी शेयर। ये जो प्राइस है एक्चुअली मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन से हम लोग को डी ई आर और के इसको खोज के यहां फिलअप कर देंगे, देन फॉर्मूला सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। स्काईलाइन लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ऑफ 6 पर शेयर। तो डिविडेंड दिया था वो 6 रुपया पर शेयर, और कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है आपका 75%। तो डिविडेंड होता है ई का 75%, अर्निंग का 75% डिविडेंड दिया था। इससे हम लोग अर्निंग पता लगा लेंगे। कंपनी अर्न्स ए रिटर्न 17.5% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अ कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन 12.5%। ये हो गया के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज पर वाल्टर मॉडल। वाल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर 6 रुपया दिया था, अर्निंग पर शेयर चाहिए। तो 6 रुपया जो डिविडेंड दिया है वो 75% पे आउट के इक्विवेलेंट है, तो आपको अर्निंग 8 रुपया आ जाएगा। तो वहां दे रहा है 6 रुपया डिविडेंड है, 75% पे आउट रेशियो है, तो 6 रुपया इज इक्विवेलेंट टू 75%। तो इससे हम लोग अर्निंग 8 रुपया ले लिए। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये दे रहा है 0.175, दैट इज 17.5 है, तो 0.175। अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12.5%, 125। ओके, 0.175, और ये 12.5%। ओके, डिविडेंड 6 रुपया पर शेयर दिया हुआ था जो 75% के इक्विवेलेंट था, तो अर्निंग 8 रुपया हो गया। रेट ऑफ रिटर्न 17.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 12.5%। अब इसको फॉर्मूला में फिलअप करना है। तो डिविडेंड हो गया 6 रुपया प्लस
0.175 डिवाइडेड बाय 0.125, 8 रुपया माइनस 6 रुपया और 0.125। अब यहाँ आएगा ये 6 रुपया प्लस 0.175 डिवाइडेड बाय 0.125 इनटू 2 रुपया, ये आया 2 रुपया 80 पैसा और 0.125, 8 रुपया 80 पैसा 0.125। ओके, तो प्राइस पर शेयर 70 रुपया 40 पैसा आ गया। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, 6 रुपया डिविडेंड था, पे आउट रेशियो 75% था, तो 6 डिवाइडेड बाई 75 अर्निंग हो जाएगा। जनरली हम लोग अर्निंग से डिविडेंड निकालते हैं या डिविडेंड से अर्निंग निकाल लिए। ये आपका आर दिया था, ये के ई था, पूजा था, मार्केट प्राइस पर शेयर वाल्टर मॉडल, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वाल्टर मॉडल का एक प्रॉब्लम सोल्व कर दिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।